हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडीज में। दोस्तों, अगर आप अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप कुदरती रूप से अपने बालों को काला कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नेचुरल तरीका बताऊंगी जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने बालों को काला कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मार्केट के रेडीमेड प्रोडक्ट हेयर डाई हेयर कलर से आप अपने बालों को झट से काला कर सकते हैं, लेकिन इन रेडीमेड प्रोडक्ट में केमिकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है जिसके इस्तेमाल से हमारे बाकी के बचे हुए बाल भी डैमेज हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बालों को, स्किन को और हेल्थ को नेचुरल तरीके से देखभाल कर पाएंगे। नेचुरल चीज़ें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इस्तेमाल करोगे और झट से ही आपके हेल्थ रिलेटिव, स्किन रिलेटिव या फिर बालों के रिलेटिव सभी परेशानियाँ एकदम से ख़त्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपको पूरे पेशेंस के साथ इन नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है बेरी की पत्तियाँ और मैंने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। बेरी की पत्तियाँ हमारे बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर हमारे सिर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या कि खाज खुजली है तो उसको दूर करने में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे मैंने इसको मिक्सी में जलाकर अच्छा सा एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका रस निकाल लूँगी। आप चाहें तो एक कॉटन की हेल्प से इसका रस निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसका जूस निकाल लूँगी। ये जूस हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर फ्रेंड्स, हमारे बालों में एक मेलानिन नाम का तत्व पाया जाता है जिसके कम या ज़्यादा होने से हमारे बाल कम उम्र में सफ़ेद या काला होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो ये बेरी का पत्तों का जूस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जूस निकाल लिया है, और अब आपको इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। आपको ये डायरेक्टली ही अपने हेयर में अप्लाई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जूस बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे तरीके से इन पत्तों में से अलग कर लिया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो किसी भी ब्रश की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने डाइस को लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बाल में कोई भी ऑयल या फिर धूल मिट्टी ना हो। आपको बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, और इसको आप लगा के ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं या फिर हेयर वॉश करने से 2 से 3 घंटे पहले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।